चलो एक कहानी सुनाता हूँ। ये कहानी मंजुला की है। मंजुला कौन? अरे मेरी नई दोस्त। अब ये बात है 3-4 दिन पहले की। जब मैं कहीं जा रहा था तभी किसी क्रॉस रोड पे सिग्नल येलो से रेड हुआ। 140 सेकंड का आंकड़ा घूमना शुरू हुआ तो बस मैंने अपनी आदत के मुताबिक हाथ में फोन उठाया। तभी मैं देखता हूँ कि विंडो के पास 11-12 साल की एक लड़की खड़ी है जो नॉक कर रही है। मैंने अपनी आदत के मुताबिक उसके साथ बात करना शुरू किया। बात करने से पता चला कि उसका नाम मंजुला है। आगे मैं उसको कुछ पूछूं उससे पहले वो बोली, ए साहब 5 रुपया दो ना। मैंने उसको बोला, अच्छा 5 रुपया तुझे क्यों चाहिए? अगर भूख लगी है तो मैं तुझे खाना खिला देता हूँ, भीख मांगना अच्छी बात नहीं है। सामने वो कुछ भी ना बोली। बोलती भी क्या, एक गरीब को पैसे मांगने का कारण पूछोगे तो वो क्या जवाब देगा? फिर मैंने बात आगे बढ़ाई, बोला अच्छा तू कहाँ पे रहती है मंजुला? तो बोलती है, अरे वो बड़ी सी स्कूल है ना उसके बिल्कुल सामने। मैंने बोला, अच्छा तू पूरा दिन क्या करती है? तो बोलती है कि सुबह को उठती हूँ, फिर ब्रश करती हूँ, फिर यहाँ पे काम पे आती हूँ। फिर मैंने उसको पूछा, अच्छा खेलने जाती है? सामने उसका कोई जवाब नहीं। फिर मैंने उसको पूछा, अच्छा मंजुला बड़ा होके क्या बनना है? तुरंत बोली, टीचर। अब ये टीचर बोलते टाइम उस छोटी सी मंजुला की छोटी छोटी आंखों में बहुत बड़ी चमक थी। अब इतनी सारी बातों में मेरे पास कुछ ही सेकंड्स बाकी थी तो मैंने तुरंत मंजुला को बोला, अच्छा मंजुला सुन, मुझे तुझसे एक प्रॉमिस चाहिए। अगर तुझे टीचर बनना है तो तुझे पढ़ाई में ध्यान रखना पड़ेगा, तो तू अब से पढ़ाई में ज्यादा ध्यान देगी, मतलब तू यहाँ पे भीख मांगने नहीं आएगी, भीख मांगना अच्छी बात नहीं है। अब मैंने ऐसा सोचा कि ये लड़की प्रॉमिस बोल के यहाँ से निकल जाएगी, पर ये तो उल्टा हुआ। बोली, नहीं भैया यहाँ पे तो आना पड़ेगा, वरना घर पे। इतना कहकर रुक गई। फिर बोली, मैं पढ़ाई में पक्का ध्यान दूंगी, वो बात का प्रॉमिस है। इतना बोला, हाथ में ताली दी और कुछ गाना गुनगुनाते वहां से निकल गई और मेरे चेहरे पे भी एक मुस्कान छोड़ गई। जब भी आप ऐसे क्रॉस रोड पे खड़े रहते हो ना तो मंजुला जैसे बहुत सारे बच्चे आपसे भीख मांगने आते हैं। एंड ऑफ कोर्स आपको या मुझे पसंद नहीं आता, हम में से कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो उनको धिक्कारते होंगे। आई नो ऐसे कोई अप्रोच करता है तो अच्छा नहीं लगता, समझ सकते हैं। पर ऐसे टाइम पे अगर हो सके तो उनके मांगने से चिढ़ने की जगह पे उनसे बात करो। आई नो डिफिकल्ट है, स्टेटस में बहुत फर्क पड़ जाएगा, फिर भी ट्राई करो, उनसे बात करो, दो पल के लिए उनको नॉर्मल फील करवाओ या फिर खुद नॉर्मल फील करो, जानो कि उनकी स्टोरी क्या है। आई एम प्रिटी श्योर क्रॉस रोड पे वेट करते करते आपके मोबाइल के नोटिफिकेशन से ज्यादा अच्छी इनकी स्टोरी होगी। तो उनसे बात करो, उनकी कहानियां जानो, एंड यू नेवर नो कि आपकी उस एक बात से उनको एक राह मिल सकती है। एंड यू नेवर नो कि आपकी उस बात की वजह से मंजुला जैसी बच्ची आगे जाके टीचर भी बन सकती है। यू नेवर नो, थोड़ी सी सेकंड्स की तो बात है, थिंक अबाउट इट।